Welcome back to your channel. This is Tmana and the video is based on IBPS PO mains. Okay, how to attempt actually exam. Okay, actual जो exam है उसमें आपको कैसे react करना है, कैसे attempt करना है और exam से पहले आपके कितने marks होने चाहिए. So last year का जो experience रहा मैं उसके behalf पर ये discussion करने वाली हूँ. अब फाइनल होगा ही होगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ, जस्ट बिकॉज यू नो वेल कि एक लिमिटेड स्टूडेंट्स ही फाइनल सिलेक्शन लेंगे और ऑफकोर्स वो वही लेंगे जो हार्डवर्क करेंगे और शायद जिनमें पोटेंशियल होगा. ठीक है, समझ सकते हो आप. ठीक है, अब मैं बताती हूँ लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताऊँ. तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं आपको बताती हूँ. आईबीपीएस पीओ मेंस में देने गई थी और मेन से पहले मैंने सिर्फ दो ही मॉक अटेम्प्ट किए थे तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी. सेकेंड जो मिस्टेक थी, दो मॉक मैंने अटेम्प्ट किए, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था कि एग्जाम में आपको कैसे रिएक्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्योंकि फर्स्ट इस टाइम में आईबीपीएस पीओ मेंस दे रही थी. फर्स्ट ही प्री अटेम्प्ट था मेरा तो क्लियर था, फर्स्ट मेंस था वो मेरा, तो बहुत बुरी तरह से फेल हुई थी मैं उसमें. क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स को जब मैंने देखा तो करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर की थी लेकिन वो कुछ इकोनॉमिक न्यूज़पेपर वगैरह पर बेस्ड इतनी आ गई थी ना. ऐसा नहीं होता है हर बार वैसी आती है, मे बी इस बार कुछ वैसा अलग ट्रेंड हो रहे. तो वो करंट अफेयर की एक अलग सेपरेट वीडियो रहेगी. डिस्क्रिप्टिव मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे मॉक के रिगार्डिंग और दूसरा आपका एक्चुअली एग्जाम में कैसे आपको रिएक्ट करना है. फर्स्ट तो आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी. जो प्री है वो आपका स्पीड और एक्यूरेसी देखता है, मेंस आपका पेशेंस लेवल चेक करता है, जहां तक मुझे एक्सपीरियंस से समझ में आया है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी दूसरे थॉट के कि कैसे क्या करना है. ओके, सो अब आप स्क्रीन पर पूरा देखेंगे कि हमें कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है. ओके, स्क्रीन पर देख सकते हो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं बात करती हूँ इसकी तो मैं यहाँ से आपको थोड़ा ओपन करके दिखाती हूँ कि फर्स्ट मॉक ही मैं ओपन कर लेती हूँ. ठीक है, डायरेक्ट आईबीपीएस पीओ मेंस का, आईबीपीएस पीओ मेंस. तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो ये वाला रहने देते हैं, लास्ट ईयर का देख लेते हैं. लास्ट ईयर का अपन एट्थ मॉक है, इसको मैं स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, टेस्ट जोन टेस्ट प्लेयर में जाएंगे. और हाँ, एक बात जो बता देती हूँ आप सबको कि अभी क्या है, ये 25% ऑफ दे रहा है स्मार्ट कीड़ा. तो मैं स्मार्ट कीड़ा हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है फर्स्ट डे से और यही प्रेफर कर रही हूँ. तो अभी अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर या कहीं भी ज्वाइन है तो ये वाला परचेज कर लीजिएगा आप. ठीक है, स्मार्ट कीड़ा, और ये बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है. आप एग्जाम वगैरह आईबीपीएस पीओ का देख ही चुके होंगे, प्री में लेवल देख चुके होंगे, तो अच्छा लेवल करने की आपको बहुत जरूरत है. कोड लगा लीजिए या TZ10, आपको एक्स्ट्रा 25% मिल जाएगा. ओके, सो हम इसमें स्टार्ट करते हैं कैसे करना है. देखो ये वाला आपको जो मैंने जैसे कहा पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी एग्जाम टाइम में आपको. तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी किसी भी लेवल का, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, जब हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी कर लेते हैं एक चीज हमें क्लियर हो जाती है कि एग्जैक्टली हम कहां पर स्टैंड करते हैं, कौन सा क्वेश्चन हमसे कितनी देर में बन सकता है. ये हर एक प्रैक्टिस किए हुए स्टूडेंट्स को कन्फर्म होता है, पता होता है उसको. अब देखो इसमें क्या दिया हुआ, अब फैमिली है जिसके 12 मेंबर है, मैं पहले इसको ज्यादा नहीं 15 से 20 सेकंड सिर्फ रीड आउट करने को दूंगी क्योंकि मेंस में हमारे पास टाइम सफिशियंट होता है. अगर आप रीजनिंग में 20 से 22 क्वेश्चन भी 25 क्वेश्चन भी करके आते हो तो मोर देन सफिशियंट होते हैं वो आपके लिए. ठीक है, और आपके पास जो टाइम होता है वो आपके पास यू नो वेल 1 आवर होता है. तो 1 आवर में अराउंड अगर 4-5 मिनट में भी एक क्वेश्चन को लगाते हो तो एक, अगर बात करूं इस क्वेश्चन की बात करती हूं मैं, तो इस क्वेश्चन में आपके पास कितने हैं भाई, ये हैं आपके 2 क्वेश्चन है. तो 2 क्वेश्चन है इसमें, अगर आप ये वाली पजल अगर 3 से 4 मिनट में भी बना रहे हो तो वो अच्छी बात है. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो. तो आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत होगी वहां पर. अभी क्वेश्चन मैंने देखा तो इसमें बिलोंग 3, एक सिंपल सी बात है, दिख रहा है ये आपका फैमिली रिलेटेड दिया हुआ है, चार्ट बनेगा इसमें फैमिली चार्ट. तो ये क्वेश्चन मैं डेफिनेटली ट्राई करती, मैं सिर्फ एक बार वो बात करूंगी. तो ये 2 क्वेश्चन होते हैं यहाँ से. ठीक है, 4 मिनट मान लो लग जाते हैं, 3 से 4 मिनट फिर भी, लेकिन जबकि इतने नहीं लगते इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पर स्टिल ठीक है. अब आगे क्या आता है, आगे फिर से एक पजल ही आपको दिख रही है जिसमें आपको दिया हुआ है, पहले मैं स्टार्टिंग की अगर हम ये वाली इंस्ट्रक्शन ही हमें पढ़नी है, जैसे फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 8 डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स डिस्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो किए गए, 2 चेयर्स वर कैप्ट ऑन ईच साइड ऑफ द रूम फेसिंग टुवार्ड द सेंटर. ओके, तो 1 पर्सन वॉज सिटिंग हु वॉज डूइंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ओनली सब्जेक्ट और 8 CCTV कैमराज वर प्लेस्ड. ओके, 1 CCTV जो था वो ऑब्जर्व कर रहा था, 1 चेयर वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वॉज कैरिड आउट. ठीक है, ईच सीसीटीवी जो था 1 to 8 उसको मार्क किया गया था. फिर उसके बाद में जो सीसीटीवी थे वो मॉनिटर कर रहे थे हर पर्सन को, 8 डिफरेंट पर्सन थे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपनी प्रोसेस के उसमें पार्टिसिपेट करने आए थे. लाइक काफी लेंदी टाइप लग रही है लेकिन हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी है.
अब क्या होगा, हमें यहाँ पर लालच जो हर एक इंसान के अंदर होता है मेनली, वो हमारा ऐसे होगा कि लालच कर लेते हैं कि देख लेते हैं क्या कुछ है क्या नहीं है। तो इसमें देखो हमें पता है क्या क्या चेक करना है। फर्स्ट तो वो कौन कौन से पर्सन है, आठ आठ पर्सन है तो उनके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, फिर वो जो दो चेयर रखी हुई है उनको देखना है, फिर उसके बारे में आठ जो कैमराज है वो उनका फोकस कहाँ पर है, शायद इस तरह से। तो समझ रहे हो इस चीज के बीच में कि उनके कैमराज के बीच में कितने और कैमरा है, पहला जैसे 1 to 8 कैमरा नंबर दिए हैं, काफी चीजें इसमें हमें मॉनिटर करनी है। तो इट्स ओके, इसको हम एक बार मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि मे बी ट्राई करें पर अभी नहीं। अब तीन ही क्वेश्चन थे उसमें, ये देखो चार क्वेश्चन हो गए ना, हाँ चार क्वेश्चन हो गए, आठ नंबर हो गए आपके यहाँ से। तो अगर आप ये कर लेते हो ना, आप मान लो इसमें सात आठ आठ मिनट भी इस पजल में लगा देते हो, 10 मिनट भी इस पजल में लगा देते हो, आठ नंबर आपके अगर कंफर्म हो रहे हैं तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन सारा लेवल जो है वो कंसंट्रेशन का है, सारा पेशेंस लेवल का खेल है। अब आगे फिर से हम एक क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ये वाला स्टेप बाय स्टेप आ गया इनका। अगर आपको लॉजिक यहीं पर समझ में आ रहा है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करें, कोडिंग डिकोडिंग आप या जो बोलते हैं इसको जो भी है इनपुट आउटपुट सॉरी। तो आप अगर इसका लॉजिक आपको समझ में आ रहा है तभी आप इसके ऊपर अटेम्प्ट करने जाएं, अदरवाइज लीव कर दें तो ज्यादा सही है टाइम वेस्ट करने की बजाय, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें जल्दी, हाँ आप 1 से 1.5 मिनट इस टाइप के क्वेश्चन को दे सकते हो कि मे बी हो जाए तो अच्छा रहता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखो, अगर आप देखें तो दो ही क्वेश्चन थे फिर से, तो मे बी वो होने के चांसेस थे, जल्दी हो जाते शायद। अब ये आ गया, ये एनालिटिकल रीजनिंग है, ये टोटली आपके ऊपर बेस्ड है कि आप कैसे करते हो, बट एनालिटिकल रीजनिंग की मैं ट्राई करूंगी इस बात, तो आपको मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम में, ठीक है, कि टेलीग्राम में कहाँ से आपको करना है। एक बुक मैंने मंगवा रखी है अभी, बस यूट्यूब टीचर को ही अच्छा सा मिल जाए उस पर बेस्ड है, तो ये वाले वो क्वेश्चन है जिसके लिए की होगी। अब आगे फिर से एक क्वेश्चन पे आते हैं जो एक एक मार्क्स की एक पजल है, और इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके हैं तीन क्वेश्चन है, चलो ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, 77 फैमिली मेंबर है जो एक लीनियर रो में बैठे हैं। इसमें सीधी सीधी बात होगी, पहली बात तो ये फैमिली मेंबर है, दूसरी रो में बैठे हैं और सारे के सारे साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, जिसमें क्या है, 4 तो आपके साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, 3 आपके नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो सिंपल ये क्वेश्चन जो है ना प्री का तीन क्वेश्चन का मिक्सचर है, जिसमें क्या है आपका लीनियर रो भी है, जिसमें आपका फैमिली मेंबर भी है और वो नॉर्थ साउथ भी देख रहे हैं, समझ रहे हो। प्री लेवल का जो पजल होता है ना, जो इससे पहले पजल आई थी वो प्री लेवल नहीं थी, अब प्री लेवल की ये वाली पजल 2-3 की मिक्सचर है, सिंपल सा ये बात आप बोल सकते हो इसको। तो इसमें मैं ट्राई करती, डेफिनेटली इस पजल को ट्राई जरूर करती, लेकिन ये भी नहीं है कि इसमें 2-3 मिनट हुए और लगता मैं अटक रही हूं और फिर भी लगी रहती, तो ये बेवकूफी वाली बात होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये फिर से वही आपका जो एनालिटिकल रीजनिंग है उस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आपको देखना था। अब आगे फिर से एक क्वेश्चन आता है जिसमें क्या है, ये भी मुझे फिर से पजल ही लग रही है। तो सिंपल आप इसमें क्या है, 7 डिफरेंट जो वो है आपकी सिटीज हैं जिसमें P2V है और वो डिफरेंट अमंग ईयर्स में ओपन होती है, ये डेफिनेटली मैं ट्राई करती, सिंपली देख कर ही समझ में आ रहा है कि कैसे हम कर सकते हैं। ये एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन मैं करती ही करती। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको सिर्फ ये वाली जो नोट डाउन करनी होती है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, अराउंड मेंस में आपसे 40 से 50 सेकंड खा जाता है, लेकिन बनता जरूर है, इतना डेफिनेट है इसका। तो ये वाला मैं ट्राई करती करती, ठीक है। ये पता है मुझे पहले अक्कल नहीं थी बिल्कुल भी इन चीजों की, बाद में जब मैंने मेंस दिए प्रैक्टिस स्टार्ट की तब जाकर इतना समझ में आया कि एग्जैक्टली हमें मेंस में किन चीजों का ध्यान में रखना होता है। तो समझ में आ रहा है आपको कैसे कैसे करना है। अब देखो जैसे मैं करती आ रही हूं तो यहां पर मान लो, लेकिन एक बार ये 2-3 होने के बाद में एक बार रिव्यू भी लेना बहुत जरूरी है एग्जाम का, जैसे इन पूरे सारे क्वेश्चन का कि कैसे कैसे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला कहीं ना कहीं आपसे, अगर आपने पहले ऐसे ट्राई किया है और आप देखते हैं कि एट द रेट का मतलब है कि P ना तो स्मॉल है ना ही इक्वल है, जहां पर एट द रेट जो मतलब होता है ना वो एक प्राइम नंबर है जो कि 38 से स्मॉलर है, इस टाइप में कंडीशंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मुझे पसंद है, मैं कर पाती हूं इस टाइप के क्वेश्चन, आपको शायद कुछ और पसंद हो तो आप मत ट्राई करो इन चीजों को, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद में आपका एनालिटिकल रीजनिंग। अब देखो एक बीच में क्वेश्चन आया ये वाला, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला अगर हमने देखा होता, मे बी जो अगर पहले से यहीं फंसे रहते ना स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, तो ये वाले छूट जाता, अगर कोई करता है तो शायद वो कर लेता। तो ये ट्राई करो कि आप एक बार पूरा देख लो। अब ये वाला देखो इसमें क्या है, आपको सिंपल यही तो दे रखा है जिसमें डस्ट क्लेवर और इसके मतलब सिर्फ यही तो है, आप हमें क्लियर ही तो करना है ये वाला। तो इन क्वेश्चन को पहले ढूंढ लेना आप, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे प्री हमारे कंट्रोल में है, उन क्वेश्चन को पहले करना है।
है. तो यहाँ से जब 8 से 10 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट, जैसे ये वाले क्वेश्चन हो गया, एक इससे पहले आया था, 3 क्वेश्चन तो यही हो गए, 4 हो गए, 4 क्वेश्चन ये हो गए, 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए आपके, एक बीच में भी क्वेश्चन 2 आसान आए थे, तो 8-10 क्वेश्चन जब आपसे बन गए ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है. तो स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में इन 8 से 10 क्वेश्चन को अपना कवर करने की कोशिश कीजिएगा. ओके, फिर उसके बाद में आगे हम करते हैं आगे. फिर ये भी देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर हम करते तो टाइम टेकिंग तो ये भी है, ये भी है. इनमें जो पजल्स आती हैं, ये वाली जैसे पजल्स होती है, नहीं बनने के चांसेस होते हैं, ये बनने के चांस ज़्यादा होते हैं. इन चीज़ों को बस वहाँ पर हमें चेक करना होता है. ओके, और फिर उसके बाद में ये वाली मैंने ट्राई तो की है, बट स्टिल ये तो करके पता लगेगा कि कैसे क्या कुछ है. समझ में आया होगा, होप सो, कि मैं क्या चीज़ों क्या चीज़ें आपके साथ बोलना चाह रही हूँ. ओके, फिर एनालिटिकल रीजनिंग है ये. तो देखो भाई, जिसने एनालिटिकल रीजनिंग कर ली ना, तो वो तो एक पहले ही कॉम्पिटिशन में आगे हो जाता है बहुत से स्टूडेंट से, क्योंकि बहुत से नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये टोटल ओवरऑल रीजनिंग का था. देखो रीजनिंग में होप्स आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी. इनके अलावा कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा मुझे. टाइम सिर्फ आज का ही है मेरे पास, आगे वीडियोस बहुत कम लाने वाली हूँ मैं. जनरल अवेयरनेस ये तो भाई, अगर क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, बात खत्म है. ओके, अब बात करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज की. इंग्लिश लैंग्वेज देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कोई चैप्टर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है. इसमें तो आपकी जितनी ज़्यादा मेंस में जो पर्सन जा रहा है, जितनी ज़्यादा उसकी रीडिंग पर पकड़ होगी, वो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा. यहाँ पर टाइम कोई लिमिट नहीं आने वाली है. 40 आपके पास मिनट होंगे, 40 मिनट में आपको जो क्वेश्चन करने होंगे वो इस पर थोड़ा पैटर्न चेंज है ना एग्जाम में. हाँ ठीक है, 15-30-35 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट होंगे, एक मिनट में एक क्वेश्चन भी अगर आप कर रहे हो ना, तो आप कर पाओगे. देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आपको पहले ये वाला पढ़ना है, फिर विच कौन सा है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. तो अगर मैं अब मेरी जगह की अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन को कैसे करती, तो मैं इनको डायरेक्ट करती, ये पहले लाइन पढ़ती, इसमें से ढूंढती, ये लाइन पढ़ती, इसमें से ढूंढती, ये वाली लाइन पढ़ती है तो ढूंढ लेती, तो मुझे 1 से 1.5 मिनट इस क्वेश्चन में लग जाता, मुझे कन्फर्म है. आगे फिर से वही देखो, रीडिंग है. फिर से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका सेंटेंस करेक्शन का है. ठीक है, ये वाला अगर बात करूँ, फिर से आपका रीडिंग का है. ठीक है, और फिर आगे बात करें, फिर से वही रीडिंग ही है ये. अगर रीडिंग जितनी अच्छी होगी, उतना ही आप इसमें पकड़ बना पाओगे. लेकिन इतना भारी भरकम पीओ मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा. ठीक है, काफ़ी इनसे शॉर्ट होंगे. जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ, ये वाला इतना बड़ा है ना, नहीं इतने बड़े नहीं आएंगे, ये और ये आ सकता है, ये वाला कट हो जाएगा उसमें एक्चुअल एग्जाम में. ठीक है, तो क्योंकि ये मॉक है ना, तो मॉक में एक लेवल हाई हमें हमेशा प्रैक्टिस करवाया जाता है. उसके बाद में हम आते हैं ये वाला. तो ये वाले तो अगर आप देखो तो करेक्टली यूज किसमें हुए, किसमें नहीं, ग्रामर आ गई है आपकी. यहाँ पर फिर से आपकी ग्रामर आ गई है. अगर सही है, ग्रामर नहीं आई है, यहाँ पर रीडिंग भी है कि इसमें जो रिप्लेस है बी वाला जो पॉइंट है, उसको कौन सा जो एन एरर ही नेम. ठीक है, ये जो चीजें हैं भाई, देख देख कर पता लगेगा. तो आपको होप्स और चीज़ें समझ में आ रही होंगी, व्हाट आई जस्ट वांट टू से. अब इसमें क्या है, आपको ये वर्ड्स भी रिप्लेस करने हैं. अब इसके बाद में एक वर्ड ऐसा है जो आपका अलग तरह से, अब अगर आपने ये रिप्लेस कर दिए ना, तो आपको वर्ड भी ढूंढने में हेल्प होती है. अब आगे फिर से एक पैसेज आ गया जो आपको करना है. अब पैसेज की देखो, ये बात करती हूँ तो ये एक ही है, एक ही क्वेश्चन, एक नहीं दो क्वेश्चन थे इसमें से सिर्फ. ठीक है, 2 नंबर के. तो पैसेज छोटा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं. यहाँ पर एक तो वो कैब बेस्ड क्वेश्चन है, और दूसरा जो क्वेश्चन था वो आपका वही कौन सा पैसेज से इन्फर्ड किया जा सकता है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. इंग्लिश में क्या होता है, आंसर्स हमारे सामने होते हैं. मेंस में नॉर्मली जो फोकस होता है, जो कंसंट्रेटेड लेवल होता है ना हमारा, वही डिसाइड करता है हम क्या करें. और जो हमारा एक पेशेंस लेवल होता है, माइंड जितना काम होता है उतना ही हम करेंगे. अब क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स कई पैनिक कर जाते हैं. अब यहाँ से वो पढ़ना शुरू करते हैं. डिफोरेस्टेशन इन ब्राजील्स अमेजन रेन फॉरेस्ट हैज इंक्रीज बाई 22% इन अ ईयर. मुझे समझ में आ गया पहली बार पढ़ते कि ब्राजील के जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, वहां पर जो डिफोरेस्टेशन है 22% है, वो हर ईयर क्या हो रहा है, परसेंट एक ईयर में इंक्रीज हुआ है 22%. और जो हाईएस्ट लेवल 2006 तक गया है, और जो हाईएस्ट लेवल है अब तक 2006 के बाद, 6 से लेकर अब तक का, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये हमें बताया गया है. द नेशन, अब मैंने पहली बार पढ़ा और मैंने बता दिया ये वाला, मतलब बिना मैंने इंग्लिश भी पढ़े डायरेक्ट मैं इसका हिंदी मीनिंग ले सकती हूँ. लेकिन वहीं अगर हम वहां पैनिक हो रहे होते तो ये करना मुश्किल हो जाता बहुत ज्यादा. फिर क्या होता है, डिफोरेस्टेशन इन ब्राजील अमेजन डिफोरेस्टेशन इन ब्राजील अमेजन. इस चीज को समझने के लिए हम खुद को पुश करते, ठीक है, खुद पर दबाव डालते, एक ही लाइन को 4-4 बार पढ़ रहे होते. जो स्टूडेंट ये गलती करेगा वो डेफिनेटली फेल है, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, उसी एक्सपीरियंस पर मैं आपको चीजें समझा रही हूँ.
अब इसमें ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, ये वाला मैं नहीं करती, एक एरर फ्री है आपका। अब इसमें क्या है, आपको इसमें ये वाले वर्ड्स हैं, इसमें ये मैं ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि इनमें अगर मुझे वर्ड्स के मीनिंग पता है ना, तो देखो सीवियर का मुझे पता है, सिग्नल पता है, एलिवेटेड पता है, ऑब्वियस पता है, लोस पता है, मुझे सारे मीनिंग्स पता है, तो मैं कर लेती। और वर्ड्स भी ऐसे ही आते हैं वहां पर जिनके मीनिंग्स आपको पता होते हैं। ओके सो ये भी हो जाता। अब आगे क्या हुआ, ये आपका एक पैसेज आया, अच्छा खासा पैसेज है, जिसमें मुझे लग रहा है क्वेश्चन भी अच्छे खासे ही होंगे। ठीक है, अब जैसे ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन, दो, तीन, चार, पाँच, छह क्वेश्चन थे। देखो अगर आपने पढ़ लिया तो छह क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन इंग्लिश के कंप्लीट भी हो गए, तो यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन रीडिंग की हैबिट होना बहुत जरूरी है। अब बात आएगी कि हम ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये वो फलाना धमकाना, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप रीडिंग के पर्पज से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आफ्टर द कंटेक्स्ट है, मत पढ़ो। आप जितने ज्यादा मेंस में जो एक्चुअली आना है, देखो अल्टीमेटली लास्ट में क्या देना है, एक एग्जाम ही तो देना है, तो एग्जाम से पहले जितनी भी उसके मॉक्स है ना, आप उन पर प्रैक्टिस करो इंग्लिश के लिए, मेरा कहना यही है। ओके अब बात करते हैं हम मैथ्स की। तो देखो मैथ्स में क्या है, इस बार हर बार कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंट होता है। एक्सपीरियंस है, एसबीआई पीओ सिलेक्टेड एक पर्सन है उनसे, और आईबीपीएस पीओ सिलेक्टेड पर्सन है उनसे। तो इसमें क्या होता है कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंट किया जाता है जो हमने पहले डीआई देखी भी नहीं होती है मेंस में, और जो हमसे होती भी नहीं है। तो इन डीआई से आपको उचित दूरी बनाकर रखनी है। ओके, क्योंकि मुश्किल हो जाता है कभी कभी उनको करना। और इसमें क्या है, आपका अर्थमेटिक थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है कुछ एक डीआई में। लेकिन अगर बात करें कि क्या बिना डीआई के भी काम चल सकता है, तो हाँ, 15 से 20 क्वेश्चन मेनली आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं, अराउंड 10 to 15, तो जो 20 से 25 नंबर के होंगे आपके लिए, जो आप बनाओगे सिंगल सिंगल क्वेश्चन, तब भी काम आपका चल जाएगा। अगर इस बात की बात करूं, देखो इसमें क्या है, T0 मिनट दिया हुआ है, और ये वाला आपको कुछ इस तरह से, ये मुझे लग रहा है क्लॉक है कुछ, तो क्लॉक नहीं है, तीन तीन छः तीन नौ तीन चौक वाला क्लॉक टाइम ही दे रखा है। इन द पोजिशन ऑफ पी क्या हुआ रहा है, T2 मीन्स एंड वे, बहुत बहुत देखना पड़ेगा भाई, ये ट्रायंगल ट्रूंगल जो भी सिस्टम से बाहर है फिलहाल। ओके, अब क्योंकि ये तो प्रैक्टिस ही आएगा ना, अब ये वाली है, ये कैट लेवल थोड़ी सी प्रैक्टिस है, तो एसके का जो मॉक होता है ना, उसमें मैथ्स जो है वो थोड़ा सा कैट लेवल साइड जाता है। तो इसमें आपको काफी, आपके माइंड को बहुत फ्लक्चुएट करता है ये कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, एक पेशेंस जो लेवल है ना मॉक, आपको अगर आप बैठकर 3 घंटे सीटिंग में कोई भी मॉक लगा रहे हो, 1 घंटा अगर कोई सेक्शन में मॉक लगा रहे हो, तो वो आपको पेशेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो इस पर काम जरूर करें। अब देख लो, मान लो ये वाली प्रोबेबिलिटी पे आई होगी पक्का कोई ना कोई। अगर मैं बात करती हूँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन सी, इफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन सी 7 मोर, हाँ ठीक है, ये उस टाइप की ही पजल है, ऐसी जनरली हर एक एग्जाम में देखते हैं, देखने को मिलती है। अब इसमें क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड दे मूव आइदर नॉर्थ साउथ, ये आपकी डायरेक्शन बेस्ड एक डीआई है छोटी सी हुई, हाँ। उसके बाद में एक सर्टेन डिस्काउंट पर, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन मुझे पसंद है। देखो ये पहली डीआई मुझे देखते ही पसंद नहीं आई, क्योंकि जो चीज पसंद ही नहीं आई मैं उसको सॉल्व कैसे कर सकती हूँ, तो ये वाली मैं ट्राई नहीं करती। लेकिन ये वाली जो पजल है, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखती तो इसको एक बार पढ़ती जरूर कि एग्जैक्टली क्या क्या दे रखा है। देखो जैसे इसमें ये वाले पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पर ये वाला पॉइंट इसके बीच में है 15 के कहीं ना कहीं लाए कर रहा है, ये 15 पर लाए कर रहा है, ये 12:30 पर लाए कर रहा है आपका, ये 20 पर है, तो ये चीजें। अब इसमें थोड़ा सा पढ़कर इस चीज को मैं कंफर्म करती, तो इसको 1 मिनट में देती पढ़ने के लिए। अब उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो आया ये वाला, तो ये वाला आपका डायरेक्शन बेस्ड था, तो ये वाला मैं ट्राई डेफिनेटली करती, 1 मिनट तो जरूर देती देखकर इसको। अब ये वाला है, तो इसको भी मैं ट्राई करती, तो ये सारे मैं मार्क फॉर रिव्यू कर लेती जो जो मुझे करने थे, जैसे ये वाली मैं करती, बाकी एक बार कोई भी ट्राई नहीं करती मैं। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं उसी टाइम निपटा लेती जब भी टाइम होता है, एज बेस्ड है, बस प्री का ही थोड़ा एडवांस होगा। पाइप्स वाला ये क्वेश्चन है, ये मैं उसी टाइम कर लेती। और ये वाले देखो 3 क्वेश्चन आ गए ना, अब एक प्रोजेक्ट है जो मंडे और थर्सडे चलता है, ये वर्कर बेस्ड है, तो ये मार्क फॉर रिव्यू कर छोड़ देती मैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, मैं उसी टाइम कर लेती, तो 4 क्वेश्चन मेरे उसी टाइम हो गए, 5 हो गए, और ABCD है, डिस्टेंस नंबर पर है, ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए जो मैं उसी टाइम करती। अब ये 7 क्वेश्चन हो गए, ये वाला क्वेश्चन मैं ट्राई बाद में करती, बहुत टाइम टेकिंग होती है ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, लेकिन देर आर 7 लाइन्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन, व्हाट इज द एरिया, ये तो मैं मेरे समझ से बाहर है, ये आ गया, नहीं ये भी नहीं करती मैं, ये भी नहीं, ये वाला क्वेश्चन उसी टाइम कर लेती मैं, तो 9 क्वेश्चन हो गए आपके उसी टाइम होने वाले। पी क्यों है, वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये वाला मैं उसी टाइम ट्राई कर लेती कि शायद मुझसे हो जाए, ठीक है। तो 9 पहले हो गए थे, 2 ही हो गए, 11 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 11 तो उसी टाइम आपके हो ही रहे हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ, ये वाला पजल मुझे थोड़ा सा, ये वाला डीआई थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि ये थोड़ा बार ग्राफ टाइप है ना, तो लग रहा है कि हो जाएगा शायद। तो ये वाला जिसमें, इसमें क्वेश्चन, अब इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने,
चाइना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं कुछ एक चीज़ों को, और इसमें जो डाटा गिवन है ये वाला है, ट्रेड सरप्लस जो होता है उसका ट्रेड डेफिशिएट क्या होता है ये वाला मतलब दिया हुआ है, ठीक है। अब इस चार्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि इसमें मोबाइल्स जो हैं उनकी वैल्यू दी हुई है, जो लैपटॉप मोबाइल्स एंड लैपटॉप जो एक्सपोर्ट किए गए थे बाय 3 कंट्रीज, ठीक है, समझ में आ गया। ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है। अब इसमें क्या है, आपको इसमें दो ही कलर दिख रहे हैं, चाइना और इंडोनेशिया, तो इंडिया ऑफ कोर्स नहीं होगा, यही बात तो होगी आपके लिए, लेकिन मोबाइल्स एंड लैपटॉप, हाँ ये मोबाइल्स हैं और ये लैपटॉप हैं। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको चाइना और इंडिया दिख रहा है, तो ऑफकोर्स इसमें इंडोनेशिया नहीं गिवन है। उसके बाद में इसमें अगर आप बात करें तो इसमें दिया गया है जो मोबाइल्स इंपोर्ट किए गए थे 3 कंट्रीज के द्वारा, तो इसमें आपको चाइना इंडोनेशिया इंडिया नहीं है, और इसमें आपका इंडिया और इंडोनेशिया है लेकिन चाइना नहीं है। इन चीज़ों का डाटा आप लिखकर यहाँ से क्वेश्चन कर सकते थे, तो ये क्वेश्चन मैं उसी टाइम ट्राई कर लेती, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन वहां से, तो 17 क्वेश्चन मेरे उसी टाइम हो जाते, 16 से 17 क्वेश्चन मैं साथ के साथ निपटा लेती। अगर किस्मत अच्छी होती, उसी टाइम पकड़ लेती, उसी टाइम बहुत काम रहकर करती, तो 16 से 17 क्वेश्चन मेरे बन जाते, जो कि बहुत अच्छा डाटा है। अगर 16 से 17 भी नहीं, 15 से 16 भी बनते तो भी अच्छा चीज है वो, ठीक है। और एक आधी अगर DI भी एक्स्ट्रा बन जाती तो भी 20-22 क्वेश्चन इज अ गुड अमाउंट अगर आप करते हो तो, ठीक है। अब होप सो मुझे जितना एक्सपीरियंस था जैसे करना है मैंने सारा आपको शेयर किया। अब सिर्फ आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे, समझेंगे इस चीज़ को कि कैसे कैसे करना है, जो मेन आपको पेशेंस लेवल अपना रख बहुत अच्छे से डिसाइड करके रखना है, बहुत ज़्यादा आपको अभी मेंस के मॉक अटेम्प्ट करके जानी है, सेक्शनल आपको लगा कर जानी है। अभी जैसे मैंने फोर स्लॉट में अब टाइम टेबल बांटा है, तो पहले 10 दिन में आपको सारे सेक्शनल कंप्लीट करने हैं। अगर खुद पर भरोसा रखकर और ऑनेस्टी के साथ ये करोगे ना, तो डेफिनेटली क्लियर तो होगा और काम मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, मैं बस यही कहूंगी। लास्ट ईयर जैसे अभी मैंने मेंस दिया नहीं हुआ, लेकिन मैं नहीं कह सकती वो मेहनत खराब गई, कहीं ना कहीं वो काम आएगी मेरी, डेफिनेटली आएगी। ओके सो थैंक यू गाइस, एंड फिर से बोल रही हूँ स्मार्ट कीड़ा का जो अभी चल रहा है ऑफर वो आप ले लीजिए, एंड 25% है, और मुझे लगता है वो इस ईयर का फर्स्ट एंड लास्ट ही है। अब लेवल आप देख ही चुके हो कैसा है, एग्जैक्ट जो एग्जाम लेवल में पसीने दिलवाना वाला होता है ना, वो तो ऑफकोर्स ये कंट्रोल आपके कर ही देगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगी वो आपके करंट अफेयर्स डिटेल रहेगी, और उसके बाद में शायद वीडियोज नहीं हो, ये वाली बस लास्ट थी आपकी। ओके और बाकी आपके जो भी इसके अलावा कोई भी डाउट्स हैं देन कमेंट मी, आई विल ट्राई कि मैं आपके आंसर्स करूं, ठीक है। आज का तो टाइम पूरा है, अब इसमें देखो कट ऑफ क्या गई है, 5:30, 11:30, जनरल अवेयरनेस में ठीक है, इंग्लिश में 6:30, मैथ्स में तो बिल्कुल 3:30 गई है। अगर आप इसमें, मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ, अगर इसमें आप 10-12 क्वेश्चन भी वो वाले कर देते ना, आपकी कट ऑफ देखो भाई क्या है, ये वाली देखो, तो थोड़ा सा समझदारी से वहां पर करना है कि अगर हम 10-12 मैथ्स में, 10-12 रीजनिंग में, 10-12 उसमें भी कर लेते तो हमारे अराउंड 35 नंबर तक आ जाते, 35 से 40, कट ऑफ इतनी जा रही है, परसेंटाइल स्टिल इतनी बन रही है, तो और अच्छी बन जाती है ना। तो समझो इस चीज़ को, अपने लेवल को समझो और अपने लेवल को एनहेंस करने की ट्राई करो। एग्जाम निकालने के लिए मत पढ़ो, खुद की ग्रोथ के लिए पढ़ो, मुझे किसी ने ये कहा था। ओके सो मुझे लगता है वो बहुत वो होता ना कि खुद को हमेशा एक दिन जब हम डे होता है हमारा, आज का दिन है जैसे, तो मैंने कल से कुछ नया सीखा, कल जहां जिस लेवल से थी मैं उस लेवल से आज आगे आई हूं, हमेशा खुद को इस वे में रखोगे तो एग्जाम क्लियर होगा, डेफिनेटली होगा। ओके सो थैंक यू गाइज, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट की आंसर करूँ। ओके एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू।